अमरपाटन से हुई विकसित भारत यात्रा की शुरुआत, सांसद ने दिखाई हरी झंडी। मैहर जिले में अमरपाटन विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला कलेक्टर और सांसद ने शुभारंभ किया, जहां बढ़ चढ़ कर ग्रामीणों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों ने गिनाई मोदी सरकार की गारंटी। मैहर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज अमरपाटन के ग्राम मोहरिया लालन से सतना सांसद गणेश सिंह व मैहर कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया। इसी मौके पर सांसद गणेश सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। इसके साथ मोदी की गारंटी को गिनाते हुए सभी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। वहीं संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया। जिला कलेक्टर जानकारी देते हुए बताया कि अगले चरण में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के देश में जो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है उस दिन से शुरू की थी। और ये देश के 2.5 लाख पंचायतों में और हजारों शहरों में ये यात्रा जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव थे इसलिए इस यात्रा की शुरुआत कल से हुई है और आज मैहर जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के मोहरिया लालन से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है देश को विकसित बनाना, देश को आगे ले जाना और देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको सरकार की योजना के साथ जोड़कर उनको और बेहतर से बेहतर आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करने का है। और ये मोदी जी की गारंटी है कि जो योजनाएं हमने शुरू की है 100% पात्रता के आधार पर लोगों तक पहुंचाएंगे। जिनको लाभ मिला है उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो पात्रता के आधार पर छूट गए हैं उनको भी मिलेगा, ऐसी गारंटी की इस विकसित भारत के यात्रा में संकल्प लिया गया है। उसी संकल्प को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जनप्रतिनिधि साथ चलते हुए और हर एक पंचायतों में जा करके और लोगों को उसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं।